और एक मैंने पिंक लेडी बनाया और पीटर बेड गार्लिक के साथ बनाया। पिंक लेडी देखे आपके आने की खुशी में उन्होंने पिंक लेडी बना दिया। ये मैं घर ले जा सकता हूँ थोड़ा सा? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी खाऊंगी। आप टेस्ट कीजिए। वैसे आपको बचपन की अफतारी और सहरी याद है? परस उतारी दो, मेरी बहन कह ही रही थी। याद है? हाँ याद है आपको बचपन की? अम्मा क्या पकाती थी सहरी में? शहरी में ज़्यादातर मैं तब भी मुझे याद, मैं दही पराठे खाता था और जो रात को जो सालन बनता है वो ज़्यादातर यही खाते थे हम। लेकिन अफ्तारी में दही बड़े मुझे बहुत पसंद थे तो आज तक उन्हीं की रेसिपी समीना भी यूज़ करती है और वो वही मैं खाता। वाले मीठे वाले? नमकीन नहीं, वो जो उसकी दही है उसके अंदर थोड़ा सा मीठा होता है। खट्टे मीठे, हाँ खट्टे मीठे। अम्मी वाली रेसिपी बनाती है समीना भाभी? वही मतलब सेम इत्तेफाक हो गया या अम्मी ने बताई? नहीं है, वो बताई थी। अच्छा, क्योंकि हम इफ्तारी में वहीं जाके खाते थे। अच्छा, हर रमजान तो वो समीना को भी पसंद थे तो फिर उसने वही सीख ली और फिर मुझे आज तक वही खाने को मिलता है। अच्छा, इफ्तारी का प्रॉपर एहतमाम होता है? जैसे होता है ना कुछ लोग दही बड़े और चने और आपके लिए बनाया नौरी ने। पक्का पक्का ये ठीक है, मुझे दे देंगे? ठीक है, बदल तो नहीं जाएंगे बाद में शो के बाद तो बदल। अच्छा, आपको गोश्त वोश्त ज्यादा पसंद है ना, कढ़ाई वढ़ाई ये वो सारी चीजें? कौन सी चीजें जो समीना भाभी के हाथ की फेवरेट है, जो फरमाइशी प्रोग्राम होता है कि ये बना वो मुझे बना? हाँ ना, नाम समीना आलू गोश्त बहुत अच्छा बनाती है, जो मुझे असल में वही पसंद है। और कढ़ाई और एक दाल चावल जो है वो उसके बहुत अच्छे हैं। और क्या एक और चीज़ है यार, अभी बता, बिरयानी। बिरयानी बिरयानी बहुत अच्छी। आप कुछ चीज़ बनाते हैं किचन में? आप कुछ कुकिंग करते हैं? अंडा अंडा अंडे बहुत किस्म के होते हैं, लाइक ऑमलेट्स बनाते हैं या फ्राइड एग्स बनाते हैं? ऑमलेट्स ऑमलेट बनाता हूँ, वो अच्छा बनाता हूँ। वो मुझे एक सिखाया था मायरा ने एक शूट पे 10-11 साल पहले, वो टमाटर का पेस्ट बना के जो हाँ हाँ वो अंदर डाल के जी वो जी उस तरह का चीज़ फिलिंग वाला, हाँ, चीज़ फिलिंग वाला। हाँ, समझ गई। तो वो मैंने सीख लिया था तो मुझे वो पसंद है, वो बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, ज्यादा वो चटपटे खाने का शौक है? हाँ, कटाखट मुझे बहुत पसंद। कटाखट मसाले वाले ज्यादा हो या सादे सादे? अब नहीं, मुझे मसाला ज्यादा खाया, अब नहीं खाया, नॉर्मल हो बस, अब नॉर्मल वो वाली चीज है। अच्छा, कुछ कह रही थी आप? नहीं कुछ। अच्छा, आपकी पहली मुलाकात है? मेरी पहली मुलाकात। तो आप रेसिपी बता देना कीमे की, अभी तो ये ले जाएंगे लेकिन फिर समीना भाभी को पता चल जाए क्योंकि उन्हें दावतें करने का, उन्हें खाना खिलाने का, पकाने का बहुत शौक। ठीक है, मैं बता देती हूँ। अच्छा, मैंने इसमें 500 ग्राम मटन का कीमा लिया था, ठीक है, मिंस्ड। उसके बाद मैंने उसको हल्का सा, मतलब 2 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक में मैंने उसको फ्राई किया। उसके बाद मैंने इसमें डाला रेड चिली फ्लेक्स, टर्मेरिक पाउडर मतलब हल्दी का पाउडर, नमक, जायफल, नटमेग, हल्का हल्का सा मतलब 1/2 टीस्पून मैंने इसमें वो ऐड किया। जब ये भुन गया थोड़ा सा, मतलब इसने ऑयल छोड़े, मैंने इसमें 2 टेबलस्पून मैंने इसमें बटर ऐड कर दिया। बटर के बाद मैंने फिर इसमें हरी मिर्चें ऐड करी, हरा धनिया ऐड किया, क्रीम ऐड किया 3-4 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून मैंने क्रीम चीज़ इसमें ऐड किया। पीनट्स नहीं डाले? नहीं, पीनट्स नहीं डाले। नहीं, वो सना को एलर्जी है पीनट्स से तो मैं क्रीम चीज़ है, क्रीम चीज़, क्रीम चीज़ ऐड करके बस मैंने उसको भूना। जब बटर ऊपर आ गया तो मैंने फिर सर्व कर दिया, ये हुआ। अच्छा, सना के बारे में मैंने बात नहीं की, सना के बारे में तो बात करना जरूरी है। जो सना अब बहुत इन हो गई है प्रोडक्शन में, और सना से कैसा रिलेशन है आपका? कमाल, जैसे बाप का बेटी से होता है। हाँ, लेकिन बहुत दोस्तों वाला भी, और वो भी बहुत ख्याल रखती है मेरा, तो इसलिए मतलब लाइक जिस तरह समीना भाभी कह रहे हैं सना भी उसी तरह कह रहे हैं बहुत। हाँ, वो दो हाथ आ गई है। हाँ। वो दोनों का ही ख्याल रखती है, भाभी का भी बहुत ख्याल है, समीना का भी रखती है। पर वो समीना भी कैसे आ गई, वो घर में यही काम होता है। हाँ। तो क्या करेगी वो, आगे इनहेरिटेड आ जाता है ना, वो कपड़े अपने डिजाइन करती थी। हाँ। लेकिन फिर उसके अंदर अब वो बहुत दिल से कर रही होती है। वही नहीं होता कि लाइक आगे काम हमारा आगे लेके जाने वाला, वो बच्चा हमारा काम आगे लेके जाने वाली चीज। हमसे वही बात है ना, दो हाथ आगे ही है सारे बच्चे हमसे। ये तो है। जैसे हमारी फैमिली में शेफ्स का बहुत है, किचन का, तो बस वो इनहेरिटेड होता है ना निदा, तो बस मेरे अंदर भी वही चीज आया, जर्म्स आ गए खतरनाक वाले। ये होता है ना आपस में,
जो माहौल होता है बिल्कुल आपके घर में तो ये माहौल नहीं था ना, मतलब पूरा ये फिल्में और ड्रामे। हाँ। नहीं, मेरे तो मेरे किसी खानदान में कोई एक्टर या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या कोई भी नहीं था, जैसे आपके फादर माशाल्लाह। हाँ। सब मेरे घर में नहीं था कभी भी, लेकिन बस अब मेरे से शुरू हो गया। फिर अब आगे 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 एग्जैक्टली सोचे ना, समीना को प्रोड्यूसर बना दिया। समीना हालांकि शुरू में ये काम छोड़ दो ये नहीं करना, उसने बोला कौन इतनी हीरोइंस को कंट्रोल करेगा या हैंडल करेगा, तो उसने शुरू मना किया, लेकिन फिर उसकी दोस्ती हो गई सबसे, तो अब वो खुद ये काम। क्योंकि वो बहुत डिसिप्लिन है ना, सो प्रोडक्शन में बेसिकली डिसिप्लिन इंसान चाहिए होता है जो सब सारी चीजें ऑर्गेनाइज करे, इसलिए तो वो सारी चीजें है। अच्छा माशाल्लाह इतने साल आपके पास, खाने दो ना। अच्छा अब चलो आपस में बातें कर लो, आपस में भी कोई बातें कर लो। एक इंसान ने सारा दिन से कुछ नहीं खाया और उसने अब खाया है, थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर लें कोई अपसेट ना हो जाए स्टमक। लेमन ये रखा क्यों डरा रही हैं? नहीं नहीं एक बात कह रही हूं, लेमन से अच्छा है, डाइजेशन अच्छा होता है। मैं ठीक हूं अब। अच्छा ठीक है। और मैंने क्योंकि सारा दिन मैंने कहा मैंने बस इफ्तार में दही बड़े खाए थे, वो सही है ना, आपने सारा दिन खाली रखा पेट, अब खा सकते हैं आप। लेकिन ये है कि अब फौरन सो नहीं जाएगा घर। हाँ, exactly. हाँ 11 बजे शूट है, लेकिन अगर एकदम सो गए फिर शूट पे मसला होगा। मुझे सोना तो है सर, अभी से 2 घंटे बाद तो सोऊंगा। मैं खुद डर रही हूँ अब सवाल करने से, क्योंकि अब एक इंसान को पूरे दिन के बाद खाना। कौन सी चीज है जो आप नहीं छोड़ सकते डाइट में भी, मतलब वो उस वो नहीं बर्दाश्त आपसे छोड़ना? बिरयानी। बिरयानी? हाँ। क्या बिरयानी की या नहीं, मैं आलू गोश्त चावल। आलू गोश्त चावल में ये फुल पंजाबी डिश होती है, वाइट राइस के साथ। हाँ, आलू गोश्त चावल। अच्छा आपको पसंद है कि अफ्तारी में करूं और उसके बाद डायरेक्ट खाना हो जाए, या प्रॉपर मैं पकौड़े समोसे ये सब चीजें? मुझे पसंद तो यही है, लेकिन मैं इस रमजान मुझे लगता है कि मैं पकौड़े समोसे ये सब नहीं खा सकूंगा। हाँ। जो मेरी शूट है बिल्कुल 2 महीने बाद प्रॉपर शूट है फिल्म की। हाँ। तो मैं ये सब छोड़ दूंगा। हाँ, ये आपने आज छोड़ना पड़ेगा। क्या करें, मजबूरी है। अरे क्या होता है, मुझे पसंद है, मेरे घर में समोसे बहुत कमाल बनते हैं और रोल बहुत अच्छे बनते हैं। नहीं, वो कीमे के बहुत कमाल होते हैं। और क्या आप शहरी में क्या खाते? शहरी में दही के ऊपर चीनी डाल के पराठे के साथ। उससे पेट कैसे भरता है आपका? ऑमलेट और अंडा वंडा सब कुछ? दो पराठों में पेट नहीं भरेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा मोटापा चढ़ता है ना, सबसे पहले कहाँ नजर आता है? मुंह पे। मुंह पे आता था सबसे पहले, ना मेजॉरिटी के मुंह पे ही आता है। जब मैं जब वैसे पुट ऑन करती हूं तो मेरा भी सबसे पहले मुंह ही मोटा हो जाता है। ये सारे सब लोगों का, ये सब लोगों का है। भाई देखिए, हमारा तो दिल नहीं चाह रहा कि आपको जाने दें, लेकिन हमारा टाइम खत्म हो रहा है, क्या करें? जाने के बाद तुमने इसलिए की है, तुमने बोला ये कीमा यहीं पे खत्म कर देगा, इसको देंगे क्या? ये वाला जो पड़ा हुआ ना, ये मैं ले जाऊंगा, ये वही है ना? जी जी, सेम है। और भी कहीं देखती में है, देखो इसको क्या तरीका है, पैक कैसे करोगे? ये हम आपको दे देंगे, फिक्र नहीं करें आप, टेंशन नहीं है। हमारे पास बर्तन है, ये ARY, आप जहाँ गए ना पहले वहाँ बर्तन नहीं होते, इस शो में बर्तन होते हैं, उसकी फिक्र नहीं करें। खुदा हाफिज़ कर देना लोगों उनको खा दे। तो ये था आज का शाने सहूर, उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। तहम्मुल से हमने बात की, कोई भागम दौड़ी नहीं, एक रिलैक्स होके मैंने, यकीन माने बहुत सारी चीज़ें मैं हुमायूं के बारे में जानती हूँ, लेकिन आज और चीज़ें मैं आपके बारे में जान पाई।